अस्सलामुअलैकुम, आयशाज किचन वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आप सबकी फरमाइश पर कीमे वाली ताहिरी, जो कि बनने में आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और जल्दी बनकर तैयार होती है। आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ हमने लिया है आधा किलो अपना बीफ का कीमा, एक कप मटर लिए हैं, एक टुकड़ा हमने अदरक को ऐसे फाइन चॉप कर लिया है, लहसुन अदरक लिया है एक बड़ा चम्मच, यहाँ पर लिए हैं हमने तीन छोटे मीडियम साइज़ के टमाटर, उन्हें ऐसे रफली चॉप कर लिया है, पांच हरी मिर्चें लिए हैं, तीन छोटी साइज़ की प्याज ली थी हमने, उन्हें भी ऐसे रफली चॉप कर लिया है, दो आलू लिए थे हमने, उन्हें ऐसे मोटा कट कर लिया है स्लाइसिस में। अब जाते हैं मसालों की तरफ। हमने लिया है यहाँ 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लिया है हमने मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सॉल्ट लिया है एक चम्मच, यहाँ लिया है हमने ज़ीरा एक चम्मच, छोटी सी लिया है यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा, तीन इलायची, पाँच काली मिर्च, चार लौंग और छोटा सा जायफल का टुकड़ा लिया है। हमने यहाँ पर लिए हैं आधा किलो चावल, जिन्हें आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब आइए बनाना शुरू करते हैं। गैस पे कुकर गर्म होने के लिए रख दिया है, तीन मीडियम साइज के चमचे से ऑयल ले लिया है। अब तेल गर्म होते ही हम अपने मसाले डालना शुरू करेंगे। सारे मसाले जो हमने आपको दिखाए थे खड़े मसाले वो डाल देंगे, चलाएंगे इसे एक बार अच्छे से। इस टाइम चाहे आपको गैस का फ्लेम स्लो भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे अपना कीमा, चलाएंगे इसे अच्छे से। अब इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, मसाले ऐड कर देंगे, चलाएंगे अच्छे से। थोड़ा सा गैस का फ्लेम बढ़ाएंगे अपना। अब इसमें डालते हैं प्याज, टमाटर, बारीक कटी हुई अदरक, चलाते हैं इसे, मिक्स करते हैं अच्छे से। हल्का सा इसमें खद्दा आने देते हैं, फिर इसमें पानी डालकर हमें सीटी लगानी है 6 से 7। अभी पानी डालेंगे इसमें हल्का सा बॉईल आते ही। इसमें में बॉईल आ चुका है, अब इसमें 1 ग्लास पानी डाल देंगे ताकि कीमा जले नहीं जब हम इसमें 6-7 सीटी लगाएंगे। अब इसमें सीटी लगाएंगे 6-7। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे 6 से 7 सीटियों के बाद दिखाते हैं आपको। हमारे कुकर में 6 से 7 सीटियां आ चुकी हैं। अब हमने इसे स्टीम में छोड़ दिया था, अब खोल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारा कीमा कितनी अच्छी तरह भुन चुका है, सारा तार ऊपर आ चुका है। 1-2 मिनट के लिए इसे चलाएंगे और अच्छे से भूनेंगे। मिनट के लिए इसे भूनेंगे हम।
अब इसमें ऐड करते हैं अपनी मटर। आलू चलाते हैं अच्छे से। आप देख सकते हैं अब इसमें ऐड करेंगे पानी। याद रहे हमने अपने चावलों को जो भिगोया था, हमारे थे कच्ची बासमती, इसलिए हमने लिए थे एक कटोरी चावल, तो हम डालेंगे एक या डेढ़ कटोरी पानी डालेंगे नाप के, नहीं तो हमारे चावल घुट सकते हैं जो अच्छे नहीं लगेंगे। अब इसमें फ्लेम को अपनी हाई कर देते हैं और इसमें आने देते हैं एक उबाल। बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसमें ध्यान से धीरे धीरे करके अपने चावल डालना शुरू करेंगे जो हमने पहले से भिगो के रख रखे थे। हमने इसमें चावल डालने के बाद थोड़ा सा पानी और ऐड किया है और नमक। हल्का सा अपना पानी खुशक होते ही, जैसे ही हमें लगेगा हल्का हल्का पानी खुशक हो गया है, इसे हम अपने कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे इसी की स्टीम में एक सीटी लगाएंगे। पहले इसका पानी खुशक कर लेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी खुशक हो गया है, थोड़ा सा और करते ही हम इसे सीटी लगा देंगे। इसमें चावलों का पानी खुशक होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें एक सीटी लगा देंगे। प्रेशर खोलने के बाद दिखाते हैं आपको। हमारे कुकर में एक सीटी आ चुकी है, हमने इसे 10 मिनट के लिए दम पर ही छोड़ दिया था। अब खोल के दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं हमारी ताहिरी माशाल्लाह कितनी प्यारी बन के तैयार हुई है। अब दिखाते हैं इसे डिश आउट करके इसका फाइनल लुक है। हमारी ताहिरी का फाइनल लुक आप देख सकते हैं कि कितनी टेस्टी और बहुत ही प्यारी और खूबसूरत दिख रही है। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। आप इसे रायते के साथ, सलाद के साथ, चटनी के साथ, जो जैसे आपका मन करे वैसे खा सकते हैं। अगर हमारी मेहनत और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो हमें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।